ये देखिए दोस्तों, ये हमने बनाई है मखाना की खीर। आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी टेस्टी और टेम्पटिंग लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। ये देखिए दोस्तों, कितनी मलाईदार, रबड़ीदार, जायकेदार लग रही है मखाना की खीर। तो इस नवरात्रि में जब भी आप कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस मखाना खीर को बनाइए और इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 4 कप दूध, 2 कप मखाना। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं दोस्तों, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच देसी घी और मैंने लिया है आधा कप पिसी हुई चीनी। आप यहाँ पर नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये सारा मेजरमेंट दूध का, मखानों का इस मेज़रिंग कप के साथ किया है। अगर आपके पास ये मेज़रिंग कप अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए आप दोस्तों, आप अपने घर में कोई नॉर्मल कटोरी को यूज़ करते हैं उसी कटोरी से सारा मेज़रमेंट कीजिए। तो फिर शुरू करते हैं इस खीर को बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा दिया है और इस पैन में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी 2 कप मखाने। और अब दोस्तों इस मखानों को हमें देसी घी में अच्छे से रोस्ट करना है। तकरीबन 1 से या 2 मिनट के अंदर ये मखाने इस घी में अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर इनको रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मखाने जो है बहुत ही क्रंची और टेस्टी हो जाते हैं घी में रोस्ट करने से, इसलिए यहाँ पर हम इनको रोस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 से 2 मिनट हो गया है मुझे इनको रोस्ट करते हुए और ये अच्छे से बिल्कुल देसी घी में रोस्ट हो चुके हैं। देखिए आप, ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हम एक प्लेट में सेपरेटली निकाल लेंगे। और अब उसी सेम पैन में दोस्तों मैं यहाँ पर डालूँगी 2 चम्मच देसी घी। और जैसे ही देसी घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट लिए हैं दोस्तों, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर ले सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को भी तकरीबन 1 मिनट के लिए हमें इस देसी घी में भूनना होगा। देसी घी में भूनने से दोस्तों ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है खीर में वो दुगना हो जाता है। अब देखिए 1 मिनट के बाद ड्राई फ्रूट्स पे कितना अच्छा जो है गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इनको हम सेपरेटली निकाल लेंगे। अब इसी सेम बर्तन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 कप दूध। और दूध डालते ही दोस्तों यहाँ पर मैं गैस की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम पर हमें इस दूध को एक उबाल दिलाना है। ये देखिए दोस्तों, हाई फ्लेम पर यहाँ पर एक उबाल इस दूध में आ चुका है। अब यहाँ पर मैं गैस को लो कर दूंगी और आगे की जो कुकिंग होगी वो हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। अब जैसे इसमें एक उबाल आ चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 इलायची। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 से 4 इलायची को थोड़ा सा पीस दिया है और यहाँ पर मैं इसको डाल रही हूँ। अगर आपको इलायची पसंद हो तो आप इलायची डालिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूध को हम कढ़ा रहे हैं। आप देखिए 15 से 20 मिनट के बाद दूध जो है वो कम से कम आधा हो चुका है, अच्छे से कड़ चुका है। थोड़ी देर इसको हम और पकाएंगे। दूध को इस तरह से हम कढ़ाते रहेंगे और दूध को दोस्तों हमें तब तक कढ़ाना है जब तक कि दूध हाफ ना हो जाए। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम डालेंगे ये मखाने, इनको मैंने दरदरा पीस दिया है। कुछ दाने जो हैं वो मोटे हैं इसमें और कुछ दाने दरदरे पीस दिए हैं हमने। हमें ऐसे ही इसको पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे हम मखानों को, हम दरदरा ही पीसेंगे। और इसे अच्छे से इस दूध में मिक्स कर देंगे और कंटिन्यू हाथ चलाते हुए इसको पकाते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे दूध जो है कितना अच्छा कड़ता जा रहा है और खीर कितनी अच्छी पकती जा रही है। अब यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे दूध पककर आधा हो चुका है। ये 4 कप से 2 कप दूध आ चुका है। आप 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे और गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, 15 से 20 मिनट के बाद जो खीर है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है और ये देखने में कितनी मलाईदार, रबड़ीदार लग रही है। ये देखिए दोस्तों, कितनी टेस्टी, कितनी डिलीशियस लग रही है खीर।
अब इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और देखिए 2 घंटे के बाद ये रही मखाना की खीर। लग रही है दोस्तों ये जैसे हमने रबड़ी बनाई है, लेकिन दोस्तों ये रबड़ी नहीं है, ये है मखाना की खीर। तो इस नवरात्रे में जब भी आप कुछ मीठा खाने का मन करे आप इसे बनाए। यहाँ पर इसे गार्निश कर देंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब इन ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ हम इसे गार्निश करेंगे कुछ मखाना के साथ, क्योंकि ये भैया ये मखाना की ही तो खीर है। और गार्निश करने के बाद ये है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप भी नवरात्रों में इसे बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।